वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज जीडीपी और फिर हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि जीडीपी का क्या मतलब है। या अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जीडीपी बेसिकली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है। ठीक है, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो किसी कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनी हो। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, जो आगे किसी और चीज के बनाने में यूज होते हैं, वो गुड्स जीडीपी में काउंट नहीं होते। फाइनल गुड्स जो कोई बंदा बाजार से लेता है अपने घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, आगे किसी और चीज के इस्तेमाल के लिए नहीं लेता। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और उसके साथ साथ वो चीज जो है उस कंट्री के अंदर बनी हो, वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हुई हो। ठीक है, कंट्री के अंदर जो चीज बनी होती है वो जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, और इसी तरह वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनी हो। ठीक है, एक ईयर, जिस ईयर के लिए आप जीडीपी देख रहे हो ना, उस ईयर के अंदर जो है वो चीज बनी हो। ठीक है, तो जीडीपी का क्या मतलब है, ये वैल्यू होती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक कंट्री के अंदर बनी हो। ठीक है, अब जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जीडीपी के चार कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस कंट्री का इतना जीडीपी है। ठीक है, वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सी, आई, जी और एक्स माइनस एम। सी का मतलब है कंजम्पशन, जो एक कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, कॉमन पीपल के, मतलब जो अपने घर के लिए चीजें लेता है उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, फिर आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो चीजें हम फ्यूचर के लिए लेते हैं या बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट जो रोड्स, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन वगैरह पे एक्सपेंडिचर्स करता है। ठीक है, वो सारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो जीडीपी में इम्पोर्ट्स काउंट नहीं होते, एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो इसलिए हम इम्पोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से माइनस कर देते हैं, बाकी जो हमारे पास रह जाता है वो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी चार चीजों से हम फाइंड कर सकते हैं, कंजम्पशन से, प्लस इन्वेस्टमेंट से, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट से। ठीक है, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में पूरी साल में $100 की, हम मिसाल ले रहे हैं, $100 की जो है वो पूरे कंजम्पशन हुए हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर के वो $100 है, इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट हुए है पूरे मुल्क में वो भी $100 है। ठीक है, इसी तरह जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स है वो भी $100 है। ठीक है, और $100 के एक्सपोर्ट्स हुए और $100 के इम्पोर्ट्स, तो $100 से $100 माइनस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा बस आपस में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 300। ठीक है, इसका मतलब है कि जीडीपी जो है वो $300 है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब किसी कंट्री का जीडीपी जो है वो मालूम करना चाहे, कैलकुलेट करना चाहे, तो हम इन चार फैक्टर से, इन चार कंपोनेंट्स को ऐड करके हम जीडीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।